अपर्णा आओ। जी भाभी। त्रिपाठी जी भाभी जी आदित्य कहाँ है? आ ही रहा है, वो तैयार हो रहा है ना। आ रहा है जी। बुलाओ ना अपर्णा, अब आदित्य और मालिनी की आरती की बारी है ना। हाँ तैयार हो रहा होगा, कभी कभी थोड़ा सा वक्त ले लेता है, कुछ काम आ गया होगा। तूने तो कहा था कि मालिनी तेरी कॉलेज की प्रोफेसर है और तुम लोगों की दोस्त, वो क्यों आरती करेगी आदित्य के साथ? माँ मैं आपको सब समझाती हूँ, प्लीज अभी कुछ मत बोलिए। आ गया आदि, आ गया। आजा 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 आजा, यहाँ खड़ा हो जा। क्या करिए? चुप कर, तुम चुप। आरती की थाली है। आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? आने बुलाया। ये लो मालिनी। मालिनी आज ये पूजा तुम आदि के साथ कर लो। नहीं मारा साथ दे तो प्लीज 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 नहीं, प्लीज मना मत करना, मेरे परिवार की लाज रख लो प्लीज। इमली क्यों नहीं आई अब तक? इमली यहाँ क्यों आएगी? यहाँ उसका कोई काम नहीं आती। क्यों नहीं आएगी? आपने फिर से कुछ कहा उससे? माँ आपने फिर से कुछ कहा उससे? कुछ सामने की जरूरत नहीं है, बात तो ऐसे कर रहा है जैसे मैंने यहाँ कुछ गलत किया। चिंता मत कर, सिर्फ बात करके आई हूँ उससे। अब अगर उस बेगैरत लड़की में थोड़ी सी भी शर्म बाकी होगी तो वो यहाँ सबके सामने नहीं आएगी। आज मेरे पूरे परिवार ने एक रंग पहना है और तुमने ये रंग पहना है। हम जानत नहीं रहे, हम ये रंग में कुछ और पहन लेते हैं। नहीं तुम ये रंग नहीं पहन सकती क्योंकि तुम अब इस परिवार का हिस्सा नहीं हो। तुम मेहनती हो, होनहार, पढ़ लिख कर कुछ भी कर सकती हो, लेकिन मेरे लिए तुम सिर्फ वो लड़की हो जो इस घर में काम करती थी, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। तुमने मुझसे कुछ भी और मांगा होता मैंने तुम्हें हंसी खुशी दे दिया होता, मगर तुमने तो मुझसे मेरा बेटा मांग लिया, मालिनी का पति मांग लिया, और वो मैं तुम्हें नहीं दे सकती क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो वो मेरे परिवार के साथ गलत होगा, मालिनी के साथ गलत होगा। इसलिए अगर तुम्हारे मन में मेरे लिए थोड़ी सी भी इज्जत बाकी है तो आज बाहर मत आना, तो आज बाहर मत आना, तो आज बाहर मत आना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से मेरे परिवार का सर सबके सामने झुक जाए। मैं नहीं चाहती कि मेरे परिवार की इज्जत सिर्फ इस वजह से कम हो कि मेरा बेटा तुम्हें देखकर भाग गया। मेरा बेटा और बहू आरती के लिए तैयार है, नए जोड़ी की आरती दोनों करेंगे अब। चलो आओ मालिनी।
अरे आदि बेटा, हमें तो पता ही नहीं था कि मालिनी तुम्हारी वाइफ है। बहुत ही अच्छी जोड़ी है तुम दोनों की। प्रॉब्लम्स तो आती जाती रहती है। अच्छी बात ये है कि आदि और मालिनी की जोड़ी बनी रहे। चलो ना, आइए, शर्माओ मत। आइए दोनों पति पत्नी मिलकर आरती करें। आप सब लोग अगर चाहते हैं कि हम अपनी पत्नी के साथ ही आरती करें तो हम अपनी पत्नी के साथ ही ये आरती करेंगे। आदि, आदि, चलो। छोटी का क्या काम है? हम ना सुनने के लिए नहीं आए इमली। हम अब ना नहीं सुनेंगे इमली। तुम दिल से चाहते हो कि हम दुनिया से डरकर छुप कर रहें? अगर हम साथ मिलकर दुनिया का सामना नहीं करेंगे तो लोग हमेशा हमारे रिश्ते के बारे में गंदी बातें करते रहेंगे। तुम चाहती हो कि ऐसा हो? नहीं चाहती मैं। चलो हमारे साथ। पंडित जी, आप चाहते थे कि हम अपनी पत्नी के साथ मिलकर ये आरती करें। तो ये हमारी पत्नी है, हम इनके साथ आरती करेंगे। इमली इसकी बीवी है। अरे इमली नौकरानी है मेरी। अरे क्या चल रहा है? अपर्णा, तुम तो कह रही थी कि मालिनी और आदित्य में सब कुछ ठीक है, फिर ये तुम्हारा बेटा क्या कह रहा है? ये नौकरानी तुम्हारी बहू है, मतलब ये आदित्य की पत्नी है। अरे नहीं नहीं, मजाक करता है। आदत है इसकी मजाक करने की। आप लोगों के सामने ही तो इसने मालिनी की मांग में सिंदूर भरा था, शादी हुई थी दोनों की, मजाक कर रहा है ये। सच तो ये है कि इमली हमारी पत्नी है। ये इस घर के सारे काम करती है लेकिन ये इस घर की नौकरानी नहीं है। ये हमारी पहली पत्नी है। मालिनी और हम अब साथ में नहीं है। मालिनी और हम अब साथ में नहीं है। मालिनी और हम अब साथ में नहीं है। I'm sorry, हम ये सब आपको इस तरह बता रहे हैं लेकिन हमारे पास कोई चारा नहीं बचा था। हरीश जी, आप तो इस सोसाइटी के लीडर हैं ना, और चेयरमैन भी हैं। आपके ही घर में ये सब चलता रहेगा तो हमारी सोसाइटी की क्या इज्जत बचेगी? अरे आप लोगों को तो सोसाइटी की इज्जत की पड़ी है, मुझे तो मेरे घर गृहस्थी का डर लग रहा है। नौकरों को बर्तन दे, पुराने कपड़े दे, थोड़े पैसे दे, लेकिन इन्होंने तो अपना बेटा ही नौकर को दे दिया। और देखो, बेचारी मालिनी को भी फंसा रखा है। कितने बड़े घर की है, कितनी अच्छी नौकरी करती है, ऊपर से संस्कारी भी है, इसकी तो लाइफ ही बर्बाद कर दी। क्या अपर्णा जी, बेटी बेटी बोलकर नौकरानी को ही बहू बना लिया आपने? ये लोग कुछ ज्यादा ही खुले विचारों वाले हो गए हैं।
सॉरी राधा जी, लेकिन हमारी सोच इतनी खुली नहीं अभी कि ये सब देखने के बाद भी हम यहीं बैठे रहे। अपने बेटे और बहू को आप आशीर्वाद दीजिए, हम चलते हैं। चल क्या रहा है, यहाँ कोई मतलब नहीं है, चलो ऐसी शादी में आपका। आपने हमारे साथ धोखा किया है भाभी जी, मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे घर में कर रही हूँ। नहीं पुष्पा जी, हमें इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था, हमें भी सब के बारे में अभी पता चला है, इस लड़की ने हमें भी धोखा दिया है। मुझे अगर पहले से पता होता ना राधा जी, तो मैं अपनी पल्लवी की शादी इस घर में कभी नहीं कराती। हम प्लीज चुप हो जाइए, ये शादी मैंने अपनी मर्जी से की, और राधी भाई और इमली ने कुछ गलत नहीं किया। मैं जितना प्यार इस घर से करती हूँ, जितना ये परिवार मेरा अपना है, उतनी इमली भी है।